हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो आपके समक्ष ही है। यह है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई है। आजकल यह बुक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और यह यूपीएससी के पूरे आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करती है। आधुनिक भारत के इतिहास के सेगमेंट में ओल्ड एनसीईआरटी के अलावा बिपिन चंद्रा, बीएल ग्रोवर, इन सबों के बुक भी मार्केट में चलन में हैं। तो मैं आज आपके सामने इस बुक का रिव्यू करूंगा जो आपके सामने है। यह 2019 का एडिशन है, आप देख सकते हैं। अब जब भी कभी कोई बुक लेने जाए तो हमेशा नए से नए एडिशन की मांग करें, क्योंकि नए एडिशन में कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ रहता है, कुछ पन्ने ऐड होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड होते हैं। तो इस बुक के फॉन्ट को आप देखें, फॉन्ट छोटा है मगर रीडेबल है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है बुक की। इसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी इस बुक को पढ़ने में कि जो कोटेशंस हैं वो बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको भी बॉक्स में जगह दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके कंटेंट्स को देखने के बाद मुझे ये पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह यूपीएससी के आधुनिक भारत के इतिहास के पूरे सिलेबस को कवर करती है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि स्पेक्ट्रम एक रेफरेंस बुक है जिसमें फैक्ट्स का भंडार है। आपको जहाँ तहाँ यहाँ ढेर सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो कि बॉक्स में हैं, देख सकते हैं। पूरे बुक को उल्टा है, आपको जहाँ तहाँ बॉक्स मिल जाएंगे जिसमें कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जगह दी गई है, जिससे कि इस बुक को आप एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप एग्ज़ाम के समय जो बॉक्स में दिए गए टॉपिक हैं वो मुख्य टॉपिक्स हैं, सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं, उन सबको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम एक रेफरेंस बुक है जिसमें फैक्ट्स का भंडार है, जबकि विपिन चंद्रा एक टेस्ट बुक की तरह है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी जैसा फील देती है। मैंने विपिन चंद्रा को भी पढ़ा है। स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक है, हालांकि इसे मेंस के लिए भी पढ़ा जा सकता है, जैसा कि आजकल एस्पिरेंट्स पढ़ते भी हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी या विपिन चंद्रा को नहीं पढ़ा है उन्हें स्पेक्ट्रम पढ़ते समय कुछ मिसिंग लग सकता है, तो मेरी सलाह है कि इसे पढ़ने से पहले ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। इसमें 850 के करीब पन्ने हैं।